महामारी के इस काल में भी लगातार लोगों की मदद करते आ रहे अल्फला रिलीफ सोसाइटी और तबलीगी जमात के लोग लॉकडाउन के आखिरी दिन तक पूरी शिद्दत से समाज सेवा में लगे रहे। लगातार जनसेवा करते आ रहे तबलीगी जमात के लोगों द्वारा प्रतिदिन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में लगभग 1200 से 1300 लोगों को भोजन वितरण किया जाता है। इसके अलावा शहर के किसी भी इलाके में रह रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राशन सामग्री की भी व्यवस्था तबलीगी जमात द्वारा लगातार की जा रही है। प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को लगभग 10 दिनों तक की सामग्री राशन सामग्री तबलीगी जमात द्वारा दी जाती है। तबलीगी जमात के अमीर इम्तियाज भाई और ब्लॉक अध्यक्ष फिरदौस कुरैसी के दिशा निर्देशन में कार्य कर रहे सभी लोग लगातार निस्वार्थ भाव से जनसेवा में लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं, जब हमने इन समाज सेवकों से बात की तो इन्होंने किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त किया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हाजी नईम अहमद है। जिस तरह से आप लोग यहाँ गरीबों की सहायता के लिए रोज यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे कार्यों की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा हमारे मशवरे से तय हुआ, जब अपन ने देखा लॉकडाउन के अंदर अक्सर लोग परेशान हैं, खासतौर से अस्पतालों के अंदर जो हमारे अतराफ से गांव देहात से आने वाले लोग हैं, उनके परिजन यहाँ हैं नहीं हैं और खाने के लिए वो परेशान हो रहे हैं। तो हमारी तबलीग जमात के जो प्रमुख हैं हमारे अमीर साहब इम्तियाज अहमद खान साहब, उन्होंने हम सब लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने हम लोगों को तरगीब दी इस बात की कि भाई सारी मस्जिदों से कुछ खाना इकट्ठा हो और बन के तैयार हो और सारी अस्पताल में जो मरीजों के परिजन हैं उन तक ये भोजन पहुंचाया जाए। हमारे सारे साथी जागरूक हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 1200 1300 1400 तकरीबन रोज़ाना पैकेट बनते हैं। आज हमारा 16वां दिन है और तकरीबन हमारे 21-22 हज़ार पैकेट खाने के बना के बांट चुके हैं। वो खाने के अंदर नॉर्मल चीज़ें हैं जो रोज़ाना के अतवा से दाल है, सब्जी है, सूखी सब्जी, चावल है और 4 रोटी हैं उसके अंदर। कितने समय से लगभग आप लोग ये काम कर रहे हैं सहायता का काम? 20 तारीख से तो इस मौके पे हम लोगों ने शुरू किया है और आज 16वां दिन है। इसके पहले भी हम लोग काफ़ी अल्फला के तरफ से काफ़ी काम कर चुके हैं। 2012 के अंदर हम लोगों ने एक इज्तमाही सम्मेलन भी किया था निःशुल्क, जो कसाई मंडी के अंदर से हुआ था, उसके अंदर 81 जोड़ों का निकाह हुए थे। और भी जो सोशल वर्क के एतबार से जो मेहनत होती है उसमें साथी लगे हैं। सरकार के निर्देशानुसार शायद 6 तारीख से लॉकडाउन खुल जाएगा, आपके हिसाब से इसके हमारे शहर के लोगों पर क्या प्रभाव होंगे? इससे मैसेज तो भाई साहब बहुत अच्छा जा रहा है और 6 तारीख को जो खुलना है तो खुलना चाहिए और जो COVID-19 की गाइडलाइन है उसके एतवार से सारे व्यापारी के एतवार से भी हम ये अपील करेंगे कि उस COVID-19 की गाइडलाइन का पूरा पालन करें। जो राइट और लेफ्ट के एतवार से हमारे प्रशासन ने जो निर्देश जारी किए हैं उनका पूरा पालन करें। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरे भी कपड़े की दुकान है, तो मैं भी उसके अंदर कोशिश करूँगा कि भाई जो पूरी गाइडलाइन की हम इसमें पूर्ति करें। सरकार के निर्देशानुसार शायद 6 तारीख से लॉकडाउन खुल जाएगा, आपके हिसाब से इसके हमारे शहर पर हमारे शहर के लोगों पर क्या है? जो सरकार की गाइडलाइन है लेफ्ट राइट, क्योंकि जैसा हमने आदेश पढ़े हैं देखा है उसका तो हमें पालन करना चाहिए और जो भी निर्देश दिए गए हैं सख्ती से हमें खुद ही पालन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ही नहीं करेंगे कार्य तो वो नहीं होगा। शासन प्रशासन बोल रहा है मानने के लिए तो हमें मानना चाहिए उस चीज़ को और फॉलो करना चाहिए। और बहुत ही अच्छी बात है, हमें खुशी की बात है कि 6 तारीख को खुल रहा है, एक उत्साह और हर्ष महसूस हो रहा है, लेकिन हमें उन नियमों का पालन करें कड़ाई से, क्योंकि बीमारी है और उस बीमारी से हम ही इससे निजात पा सकते हैं। सोशल डिस्टेंस बनाएं, जो भी सैनिटाइजर वगैरह मास्क है मास्क का कड़ी सख्ती से हर व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए। ये मैं ऐसा निवेदन करता हूँ सभी शहरवासियों से, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ये कुछ ही समय की बात है, ये बुरा वक्त कट जाएगा और हम आप मिलके ही इस संघर्ष में सभी योगदान दें और इससे जूझें और लड़ें। जय हिंद, जय भारत।